देने वाले हैं एंड इसी के साथ साथ मार्कोस गेमिंग मैडमैन इज वेटिंग गॉड लाइक नियो फिलहाल के लिए राइवल के अक्षय को नॉकआउट करते हैं, कंफर्म भी कर जाएंगे। सेविटार एंड प्लेयर 6 दोनों को फिलहाल ओपन में स्पॉट किया गया है जोनाथन के द्वारा, हैविंग द अपर हैंड, हैविंग द एंटायर रिच टू प्ले विद गॉड लाइक। ये चिकन डिनर एक 50% चांस मुझे लग रहा है गॉड लाइक के लिए। गॉड कोशिश करेंगे, मॉर्टल को शायद उन्होंने कर दिया है गेम से बाहर, एग्जो ही यहां पर एलिवेशन फेस फिलहाल के लिए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। टीम फॉर एवर कोशिश जरूर करें, सविटार बेशक यहाँ पर इसी बीच हो चुके हैं नॉकआउट, लेकिन क्या वो उस मुश्किल घड़ी से पार कर पाएंगे। नियो को स्पॉट करके नेक्सस की बात की जाए, आज काफी अच्छा दिन जा रहा है नेक्सस की तरफ से, काफी बढ़िया हम यहाँ पर उनकी तरफ से फाइस हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बेशक हुए जरूर है लेकिन काफी मतलब उन्हें क्लच करके आज यहाँ पर जी गॉड थोड़ा सा चूक हो गई। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर पहले से यहाँ पर जी गॉड के द्वारा वो कवर फायर आ जाता तो नियो को यहाँ पर बचा जा सकता। सीन सोनिक जस्ट लाइक एनिमा सेगी की मुझे याद आ गई, वो बिल्कुल भी इसी प्रकार वो भग रहे थे, बट अच्छी बात रही काफी लॉन्ग डिस्टेंस फाइट थी और प्लस बुलेट कंफर्मेशन का जो परसेंटेज है वो भी करीब 30-40% की बुलेट ही उनको लग रही थी वहां पर। बिल्कुल स्क्रीन की अगर आप बात करते हैं, यू नो स्क्रीन जस्ट केम इन रोलिंग, बट आप देखिए जी गॉड इज कमिंग इन एज वेल, उनके पास एक थॉम्सन एंड थॉम्सन पे जब आपका रेड डॉट का यू नो जो एडिशन है वो कुछ ही टाइम पहले हमें देखने का मौका मिला है, उसके चलते हुए आराम से एक प्लेयर को नॉक फिनिश करेंगे। गॉड लाइक की टीम, लुक एट देम, लुक एट देम जस्ट गो, दे आर नॉट स्टॉपिंग इन एनी डायरेक्शन। एंड जी गॉड की अगर आप बात करते हैं, वो उनके पास पूरा का पूरा कंट्रोल है, नियो को फिलहाल एलिमिनेट किया गया एंड कंप्लीटली बेहतरीन तरीके से जोनाथन अकेले सी गॉड अकेले एलिमिनेट करने वाले हैं। अमेजिंग प्ले कमिंग इन, 8 फिनिशेस आ जाते हैं गॉड लाइक के नाम है। देखिए गॉड लाइक को जोन में आना पड़ेगा, इस चट्टान को यहां पर पार करना है एंड इस चट्टान के नीचे वो कैसे उतरेंगे, बिकॉज नीचे तो यहां पर जाल बिछा करके रखी है इजी फोर की टीम एंड इजी फोर के साथ साथ एस्टेक मानव ओजी भी है, तो लूट तो आप भले ही कर लेंगे लेकिन क्या आप उस लूट का इस्तेमाल कर पाएंगे। 9 फिनिश में से 4 फिनिश यहां पर जी गॉड के हैं, बेशक जोनाथन भी अपना रोल यहां पर अच्छा खासा निभा रहे हैं, 2 फिनिश वो निकाल चुके हैं, क्लच गॉड भी यहां पर 2 फिनिश और 1 फिनिश यहां पर नियो के खाते में जोड़ा था लेकिन वो कैजुअलिटी वहां पर खा चुके हैं, लेकिन गॉड लाइक जो चाहते थे वो मोमेंटम, वो परफॉर्मेंस वो फिलहाल के लिए इस गेम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। गाइस मेक श्योर अभी तक आपने नहीं करा है यहाँ पर शेयर स्ट्रीम को तो जरूर कर दीजिएगा, और फॉलो नहीं करा तो फॉलो जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं वो 50,000 क्या हमने कंप्लीट करें। कैप्टन अभी यहाँ पर चेक करके बता देंगे एंड हम भी फिर एक तरह से अश्योरिटी दे सकते हैं कि हमारा जो माइलस्टोन था कैप्टन वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड हे वी गो कैप्टन, क्या ही शानदार 50,600 हमारे फॉलोअर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके। एक बार गाइस एक बार चैट में 50 के ओपी तो बनता है यहाँ पर, और सभी का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पर सपोर्ट दिखाया, पर फिलहाल के लिए सपोर्ट की जरूरत आपकी टीम को भी है यहाँ पर। और गॉड लाइक फिलहाल के लिए क्लच गॉड का यहाँ पर नॉकआउट, और एक एक करके देखिए यहाँ पर नंबर किस तरह से बढ़ रहे हैं यहाँ पर फिनिशेस के। वेल एस्टेक प्रधान को देखिए, एस्टेक प्रधान अभी भी होल्ड कर रहे, ग्रेनेड को किया जा रहा है, बिलीव ग्रेनेड का ऑडियो क्यू जी गॉड ने अभी तक नहीं दिया है, काफी डिस्टेंस में है, प्रधान के ऊपर ग्रेनेड टॉस किया जाता है लेकिन प्रधान बिल्कुल रॉक्स के बगल में खेल रहे हैं एंड ही स्मार्ट अबाउट इट। देखिए उनके ऊपर अगर कोई आता भी है सो बेसिकली ऊपर से कूद के ही आएगा, देन दैट प्लेयर कैन बी इजीली टेकन आउट। जोनाथन ऑन द अदर हैंड एक कंप्लीट डिफरेंट एंगल में जा चुके हैं, सेल्सियस के लिए भी एक बढ़िया मौका है, विक्सी कार्तिक एंड मैक्स तीनों प्लेयर्स दे जस्ट होल्डिंग इट आउट एंड गॉड लाइक दे हैव 11 फिनिशेस ऑलरेडी। नहीं रुकेंगे जी गॉड यहाँ पर नहीं थमने वाले, बट थोड़ा सा समझ गए यहाँ पर, क्योंकि बार बार बचे यहाँ पर नॉकआउट भी हो सकते हैं सेल्सियस की तरफ से, जो लेजर जेस स्प्रे जो आ रहा था उससे यहाँ पर बचे हैं एंड फिलहाल के लिए एसटी की अगर हम बात करें वहाँ पर उनकी गाड़ी नॉकआउट होते नजर आए। जी गॉड जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि काफी फिनिश स्टिल के मामले अभी हमें इस गेम में देखने मिले, काफी टीम्स यहाँ पर फिनिश स्टिल कर रही है बट जी गॉड नहीं चलते, और ये स्टिल के पास जो वेपन है, एक बार गाइस जरूर मुझे एक बार वेपन का नाम जरूर बताना, स्कारल जरूर है, पहले भी लगा नहीं ग्लिच है बट जी नहीं, इन्होंने एक वेपन खरीदा हुआ है उसका हम बात करें तो स्किन पर खरीदी हुई है उस चीज़ की, काफ़ी शानदार लगती है देखने में। और क्या एस्टेक की टीम का खात्मा हो चुका है, जी हाँ सेल्सियस मेरे ख्याल से बुलेट से नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पर थ्रोएबल से ही बातें कर रही है, वो तो थ्रोएबल से बातें कर रही है, लाइक एग्जैक्टली सेड करेक्टली देयर गेम्स, बिकॉज आप देखिए उनके पास इतने यूटिलिटीज हैं उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट सेल्सियस ऑन द अदर हैंड दे आर स्टिल गोइंग एंड गॉड लाइक इज जी गॉड एंड जोनाथन दोनों को सेल्सियस सिंगल हैंडेडली एलिमिनेट करेंगे 9 फिनिशेस के साथ साथ ओवरऑल।